इसमें आज हम क्रूज कंट्रोल एक्टिव करने वाले हैं। तो अभी हम खाली रोड में आ गए इसका क्रूज टेस्ट करवाने। तो ये दबा दिया क्रूज को, मीटर में भी आ चुका है। जी जी क्रूज कंट्रोल, यही अपना पार्ट क्रूज कंट्रोल का। ये अपने इंडिकेटर मोड में है, बाकी ये DRL ऑप्शन है। ये पीछे तक जा रही है अपनी पूरी। तो OEM प्लेसमेंट में जो कैमरे की फिटिंग होती है वो हमने कर रखी है। सिक्स पीसेस वाली है, सिक्स पीसेस वाली कंसोल में लगी हुई है पूरी। ये फॉग लैंप है जो कि पहले भी इंस्टॉल कर चुके हैं। साइड मिरर है, साइड मिरर दोनों कलर में अवेलेबल है, व्हाइट भी ब्लैक में भी। एक जैसे लग्जरी प्लस में सनरूफ का ऑप्शन होता है, प्रेस्टीज और प्रेस्टीज प्लस में ही लगा सकते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम दोबारा से आए थे करोल बाग ऑटो लीड। तो अपने पास आज कैरन सा रखी है और गोलू भी साथ है। तो हाय गोलू। हेलो भैया, क्या कर रहे हो आज? आज ये बेस मॉडल आई है, आज कुछ धमाकेदार काम करेंगे इसके अंदर, जो फर्स्ट टाइम इन इंडिया रहेगा। बेसिक मॉडल में प्रीमियम मॉडल की पहचान दिखा देता हूँ मैं आपको। फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाएगा, साइड मिरर में डंडी मिल जाएगा, इसमें अलॉय व्हील इंस्टॉल हो चुके हैं। तो इस चीज से आप मत घबराना कि ये प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज प्लस है। इसमें आज हम क्रूज कंट्रोल एक्टिव करने वाले हैं, प्रॉपर चला के वर्किंग करके दिखाएंगे आपको। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल। ओके, मतलब क्रूज अवेलेबल हो चुका है। अवेलेबल हो चुका है क्रूज कंट्रोल, और MID बटन भी चलेंगे। ये नहीं कि बस सिर्फ क्रूज चलेगा, MID बटन चला के देंगे आपको। ओके, एक MID बटन का भी इशू था, वो लास्ट में समझाएंगे कि क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। जी सर। ओके, तो फ्रंट से देखता हूँ तो हेडलाइट नहीं है इसकी। हेडलाइट नहीं है, हेडलाइट में DRL लगेगा और LED लगेगा। बेसिकली सारा सारा काम हो रहा है, कैरेंस में करते थे वही। जी जी, सीट कवर छोड़ के सारा काम होगा इसके अंदर। ओके, सीट कवर छोड़ के बाकी यहाँ पे अपने हेडलाइट में वो लगेगी DRL। स्टीयरिंग कंट्रोल दिखा दो कैसा लगता है कंपनी से। स्टीयरिंग और क्रूज दिखा, स्टीयरिंग कंट्रोल देख सकते हैं आप, सिर्फ राइट साइड में आता है, जिसमें इसमें एंड्रॉइड भी लगेगा। इसमें एंड्रॉइड भी लगेगा। ओके जी, एंड्रॉइड लगेगा, कौन सा लग रहा है? एंड्रॉइड हाइपरसोनिक 216 लग रहा है इसमें। 10 इंची एप्पल कार प्ले के साथ बैक कैमरा लग रहा है, सिस्टम लग रहा है, स्पीकर लग रहा है, डैम्पिंग हो रहा है, सारा काम हो रहा है, एम्बियंट लाइट लग रहा है, सारा काम हो रहा है इसके। ऑलमोस्ट सारा हो रहा है जो कॉमन काम था जिसमें हम कैरेंस में दिखाते थे। मेन जो काम कर रहे हैं आज इसमें क्रूज कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल एक्टिव कर रहे हैं इसमें, एक्टिव कर रहे हैं। बाकी देख सकते हैं अभी बटन लेफ्ट साइड, ये MID का बटन है अभी, बस आप देख पा रहे होंगे आप, ये MID का बटन है। जैसे ये एक्टिव होगा पूरा एक्टिव करके दिखाएंगे आपको, और मीटर में क्रूज व्रूज सब दिखाएंगे। ओके, मीटर में क्रूज दिखेगा अपना। जी जी जी, मेन वही दिखाएंगे हम, ड्राइव करके भी दिखाएंगे, ड्राइव करके भी दिखाएंगे वर्किंग है कि नहीं। जी जी, थोड़ा लेट आया लेकिन प्रोफेशनल वर्क के साथ आया। ओके, तो फाइनली अपनी कैरेंस का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, गोलू अपने साथ है। गोलू, फ्रंट से अगर बात करें तो क्या करा हुआ? फ्रंट में इसमें DRL इंस्टॉल किया गया है, जैसे कि आप में इसके दो ऑप्शन मिल जाएगा, डे टाइम रनिंग लाइट के साथ करवा सकते हैं, पार्किंग के साथ करवा सकते हैं। ओके, तो इसके मोड दिखाते हैं एक बार। ये अपने इंडिकेटर मोड में है, तो ये अपना राइट साइड का चल रहा है, नहीं दोनों चल रहे हैं पार्किंग, ये हजार्ड स्विच चल रहा है अपना, बाकी ये DRL ऑप्शन है। ओके, मतलब इसमें मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। ओके, तो और LED से अपग्रेड करा कुछ इसमें? पार्किंग बल्ब और LED से इंस्टॉल किया गया, 120 वाट क्रिस्टल आई की LED डाली गई है, 120 वाट है। जी जी, बाकी रिस्पांस चेक कराते हैं, ये देख सकते हैं आप रिस्पांस। तो कौन सा है अपना? ये 120 वाट क्रिस्टल आई है, क्रिस्टल आई है। जी। ओके, तो और साइड प्रोफाइल में कुछ करा है? साइड प्रोफाइल में लोअर गार्निश लगाया गया है, हैंडल गार्निश लगाई है इसके अंदर, छह पीसों के साथ सेट ऑफ सिक्स पीसेस आता है। और इसमें सेट ऑफ सिक्स पीसेस है, दिखाते हैं पीछे तक जाती है अपनी, ये पीछे तक जा रही है अपनी पूरी। हैंडल क्रोम, हैंडल क्रोम भी करे हैं, तो हैंडल क्रोम में कोई रस्टिंग का इशू तो नहीं आता? नहीं नहीं। तो कौन से अपने गैलियो लीक, CN लीक के? ओके, लीक ब्रांड के अपने। बाकी इसमें आईपॉप भी इंस्टॉल करो, जेन्युइन वाला आईपॉप रहने वाला है, ये जेन्युइन आईपॉप है। बाकी साइड प्रोफाइल में इतना ही काम है? हाँ, नीचे साइड बिटिंग लगाई गई और अलॉय व्हील लगाया गया, साइड बिटिंग लगा रखी है हमने इसमें, तो ये अपने क्रोम में। जी जी, बाकी इसकी जो OEM प्लेसमेंट में जो कैमरे की फिटिंग होती है वो हमने कर रखी है। तो ये अपना गाइडलाइंस वाला, ये हाइपरसोनिक का मूविंग गाइडलाइंस वाला कैमरा है, मूविंग गाइडलाइंस दिखाएगा आपको, जैसे टॉप मॉडल में आता है। ओके, मूविंग गाइडलाइंस के साथ दिखाएगा। बाकी चले इंटीरियर की तरफ, चलते हैं। इसमें हमने एम्बियंस लाइट भी इंस्टॉल करी है, सिक्स पीसेस वाली है, सिक्स पीसेस वाली। और बाकी इसमें देख सकते हैं अपने, एक अपने डोर पे रहती है, बाकी अपने बीच के कंसोल में लगी हुई है पूरी। ये ऐप कंट्रोल है अपनी, ये ऐप कंट्रोल है, कार्डी ब्रांड का है, आपके ऐप से चलेगा ये। ओके, और इसमें हमने एंड्रॉइड भी इंस्टॉल करा हुआ है। जी, ये देख सकते हैं आप, पूरे 10 इंचेस वाला है, इसके साथ है एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों है वायरलेस। ओके, विद ग्लॉसी फ्रेम के साथ इंस्टॉल करा हुआ है। बाकी इसमें एक ऑप्शन ऊपर आता है ग्लास होल्डर का है, वो भी अपने पास 3-4 कलर ऑप्शंस हैं अपने पास, भैया का थोड़ा बजट कम था इसलिए
थोड़ा बेसिक काम ही किया गया, सीट कवर वगैरह नहीं लगाया गया। ओके, सनग्लास होल्डर भी कलर में आते हैं? सनग्लास होल्डर अपने पास ओरिजिनल कॉपी सब तरह पुरानी वीडियो में आपने हमारी देखी रखी है। ओके, तो सनग्लास होल्डर भी अवेलेबल है, जो जेन्युइन किया है वो मिल जाएगा हमें, और आफ्टर मार्केट भी ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। जी जी जी। और बाकी जो मेन इसमें हमने करा है माउंटेड कंट्रोल, सिर्फ राइट साइड ऑडियो कंट्रोल नहीं, क्रूज कंट्रोल के साथ करा हुआ है, ये देख सकते हैं। लाइट आ रहा है, ये पार्किंग मतलब पार्किंग से कनेक्टेड है, देख पा रहे होंगे आप, ये देख सकते हैं लाइट प्रॉपर वर्क कर रही है इसके अंदर। बाकी जो इसका क्रूज वर्किंग कर रहा है एक बार हम आपको दिखाते हैं MID में भी। बाकी जो स्टेयरिंग कंट्रोल इंस्टॉल करा है वो अपने राम भाई ने करा है। तो भाई ये कैसे वर्क करता है? भाई सबसे पहले तो ये देखो अपना MID बटन, हमने पहले भी क्रूज कंट्रोल इसमें चालू कर रखा है, देखो मीटर में क्रूज कंट्रोल आ गया। ओके, पर है ना पहले हमारा MID बटन नहीं चल रहा था, हमने दिखाया नहीं था। ओके, MID बटन नहीं चल रहा था, इससे चल रहा है, ये देखो, ये देख सकते हैं सारी चीजें वर्किंग कर रही है। ठीक है भाई, ये क्रूज चला के दबाओगे तो क्रूज आ जाएगा। बाकी MID में अपना शो होगा क्रूज का, ये जो आ रहा है 30, ये देख सकते हैं फट गया, ये आ गया, ये आ गया, ये देखो अपना ये MID बटन भी चल रहा है, MID बटन सारे चल रहे हैं हमारे। जी भैया, तो मतलब ये कितने में एक्टिवेट होता है अपना? भाई 30 के बाद, 30 के बाद एक्टिवेट होकर। तो बाकी एक बार चला के भी दिखाएंगे इसका वर्किंग, इसकी हम प्रॉपर दिखाते हैं। तो अभी हम खाली रोड में आ गए, इसका क्रूज टेस्ट करवाने, तो एक बार भैया चला रहे हैं अभी, जो कार के ओनर है, एक बार चलाते हैं और दिखाते हैं आपको क्रूज वर्किंग करता है। अभी देख सकते हैं, अभी स्पीड बढ़ाते हैं हम, तो ये दबा दिया क्रूज मोड, मीटर में भी आ चुका है, बाकी भैया ने हटा दिया नीचे से पैर हटा रखे हुए, ये देख सकते हैं ये डिक्रीज कर रहे हैं, अभी इंक्रीज कर रहे हैं हम, ये देख सकते हैं प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है क्रूज अपना, जैसे ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्रूज भी हट जाएगा, जैसे ब्रेक अप्लाई करा भैया ने क्रूज हट गया अपना। अब देख सकते हैं गाड़ी स्टॉप हो रही है अपनी, चलो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है, सक्सेसफुल हो चुका है क्रूज कंट्रोल। तो हमने फाइनली कैरेंस दिखा दी अपनी प्रीमियम मॉडल, तो एक बार ओनर से बात करते हैं। तो हेलो भैया। हेलो, तो आप कहाँ से आए थे? किलानगर से। ओके, तो आपको ऑटो लीड के बारे में कैसे पता लगा? ये यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी थी। अच्छा, तो मैंने वीडियो देख के आया कि इन्होंने बहुत अच्छा काम करते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। ओके, तो काम कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया काम किया है, क्रूज कंट्रोल वर्किंग कर दिया। हाँ जी, पूरा सारा कुछ सब कुछ चल रहा है, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। MID बटन वगैरह सब चल रहा है ना? ऐसा तो नहीं खाली क्रूज चल रहा है? नहीं नहीं, दोनों चीजें चल रही हैं, सब चीजें चल रही है ना। आपने हाईवे पे जैसे टेस्ट ड्राइव लिया तो उसमें कैसा लगा? मुझे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा, बढ़िया था ना। ओके, अगर रेटिंग की बात करूँ 10 में से कितने दोगे? 10 में से 10 मिल गए। ओके, बाकी अपने साथ अंकल जी भी हैं, अंकल जी आपको कैसा लगा? बढ़िया ही है भाई, बढ़िया बढ़िया, अच्छे हैं जो करा रहे हैं, ठीक है, और लग रही है लग्जरी गाड़ी। ओके, पैसा खर्च हुआ है, मतलब टॉप मॉडल वाला फील आ रहा है, अब क्रूज कंट्रोल भी आ गया। ओके, गोलू भैया है हमारे, बहुत बढ़िया काम करते हैं। ओके, गोलू को तारीफ मिल गई, बाकी थैंक यू। तो फाइनली हमने कैरेंस के अंदर क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल कर दिया। तो अजीत भैया, इसके वर्किंग करता है जो सारे बटन वर्क करते हैं इसमें ना? सारे बटन, जो MID का बटन होता है जो पहले नहीं वर्क कर रहा था वो भी वर्क करेगा, और प्रॉपर तरीके से आपको चेक करा के दूंगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमने एक गाड़ी में नहीं लगाई है, जिसमें हमने लगा दी है, दूसरे गाड़ी में भी लगा दिया, उसके बाद भी और पड़े हुए हैं। ओके, ये नहीं जो कोई सैंपल में दिखा के लगा, स्टॉक में अवेलेबल है। कितना मतलब अभी गोलू भाई, कितना स्टॉक हो सकता है? स्टॉक है अभी 10 पीस के टेस्टिंग पे आया है, हमने 2 पीस लगा के चेक कर लिए हैं, प्रेस्टीज में भी और प्रीमियम में भी, दोनों में एक्टिवेट हो चुका है। जो पहले के 10 भाई आएंगे उनमें क्रूज कंट्रोल लग जाएगा, उसके बाद नया स्टॉक आएगा उसमें 100-200 पीस इकट्ठे आएंगे। ओके, तो अपना सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया, जिसमें हमने वीडियो में भी दिखाया था। क्रूज कंट्रोल कोई वायरिंग कटिंग नहीं है, जो क्रूज कंट्रोल में, जैसे कि कोई भाई कहते हैं कि क्रूज कंट्रोल में वायरिंग कटिंग होता है या कपलर टू कपलर वर्क नहीं होता है या क्रूज कंट्रोल खराब हो जाएगा या फिर कुछ ऐसे सीन है, वैसा कुछ नहीं है। प्रॉपर कपलर टू कपलर है, देख पा रहे होंगे आप, ये स्टेयरिंग और ये क्रूज है, स्टेयरिंग और क्रूज इस तरीके से आपके प्रेस्टीज मॉडल है तो ऐसा लग के आएगा आपकी गाड़ी में, तो सिर्फ क्रूज कंट्रोल लग जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 पेज खोलने हैं पीछे के और ऐसे करके निकल जाएगा, ये देख पा रहे होंगे आप, जैसे कि 4 पेज खोलने के बाद ये निकल जाता है स्टेयरिंग कंट्रोल भी, और ऐसे ही क्रूज कंट्रोल भी निकल जाएगा। ओके, तो प्रॉपरली क्रूज कंट्रोल वर्किंग, तो ऐसा पीस आएगा जो हमें इंस्टॉल करना होगा, तो ये अपना क्रूज कंट्रोल वाला है। जी जी, क्रूज कंट्रोल, यही अपना पार्ट क्रूज कंट्रोल का।
प्रॉपर वर्किंग करता है विद MID बटन, MID बटन के साथ। मेन चीज है MID बटन है, और मीटर में कोई एरर वायरर का निशान कुछ भी नहीं आएगा। ओके, जैसे आप आते हैं वैसे आप, जैसे मीटर में कोई एरर नहीं होता वैसे लास्ट में भी आपको चेक करवा के देंगे कि क्रूज कंट्रोल लगाने के बाद मीटर में कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई वायरिंग कटिंग कोई किसी चीज का इशू नहीं है। जैसे आपको राम ने बताई दिया था कैसे फिटिंग होता है, तो उस चीज से आप बेफिक्र रहिए भैया। तो बहुत से लोग मैंने दिखा सिर्फ क्रूज कंट्रोल दिखाते हैं, MID बटन दिखाते हैं। हम MID बटन भी चालू करके दिखाएंगे, दिखाई थी वीडियो के अंदर। ओके, MID बटन वर्किंग है, तो क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो चुका है। जी जी जी, वो भी ऑटो लीड पे, ऑटो लीड कार से MID बटन के साथ हुआ है। ये नहीं कि क्रूज कंट्रोल तो एक्टिव हो जाता है भैया, लेकिन MID बटन करने में बहुत ज्यादा मेहनत है भैया। ओके, तो और क्या प्रोडक्ट्स लाए? और सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, देख पा रहे हो डेमो में भी लगे हुए हैं। प्लीज ओके, किया जैकमैन के डब्बे ऊपर भी भरे पड़े हैं। ओके, तो अजीत भैया ये क्या चीज रखा हुआ है पीछे? ये फॉग लैंप है, जो कि पहले भी इंस्टॉल करके आपने वीडियो अपलोड कर दिया है, और ये भी स्टॉक में पड़े हुए हैं। ये स्टॉक है, बैटरी का डब्बा देख सकते हैं। Okay. साइड मिरर है, साइड मिरर दोनों कलर में अवेलेबल है, व्हाइट में भी ब्लैक में भी। अगर आपकी गाड़ी कोई और कलर की है तो उस कलर की भी हो जाएगी। और गोलू और क्या क्या चीजें? और अपने पास सिस्टम अवेलेबल है, कैमरा है, स्पीकर्स हैं, सारे ब्रांड स्पीकर किया के भी मिल जाएगा, JBL, Pioneer, Infinity सबके हैं। Okay, सारे ब्रांड मिल जाएंगे। तो किया की बात करूँ तो अभी हमारे पास तीन ये पड़े हुए हैं, तीन सनग्लास होल्डर है। आप तीनों देख पा रहे होंगे, फ्रंट से कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। Okay. देख पा रहे होंगे, आप भी नहीं पहचान पा रहे होंगे, मैं भी नहीं पहचान पा रहा हूँ ओरिजिनल कौन सा है, लोकल कौन सा है। तो ये डिफरेंस बताएगा गोलू आज कि क्या डिफरेंस है। ये देख पा रहे होंगे आप, मैंने पहले इनको पलट देता हूँ, तीनों को पलट देता हूँ। अब इनमें से देख पा रहे होंगे आप, जैसे कि ये लोकल रहने वाला है तो इसके पीछे कोई ब्रांडिंग नहीं मिलेगा, कुछ कुछ भी नहीं मिलेगा साइडों में। Okay. ना तो माइक मिलेगा ना कुछ मिलेगा। ठीक Okay. है जी, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रेस्टीज प्लस में जैसे लग के आता है, प्रेस्टीज मॉडल में Prestige. और प्रेस्टीज प्लस में तो ये वाला लग के आता है। तो ये तीन हमने दिखाए थे आपको, तीन में जो ओरिजिनल है अपना, ये लोकल है, ये दोनों ओरिजिनल है। ये देख पा रहे होंगे दोनों पीछे से आपको हुंडई की ब्रांडिंग मिल जाएगी, हुंडई हुंडई, और ये आफ्टर मार्केट, ये आफ्टर मार्केट है। दोनों में दो ऑप्शन मिल जाएगा आपको, एक जैसे लग्जरी प्लस में सनरूफ का ऑप्शन होता है, प्रेस्टीज और प्रेस्टीज प्लस में ही लगा सकते हैं। ओके, तो अपने पास दो ऑप्शन है, या तो सनरूफ वाला भी लगा सकते हैं या ये वाला भी लगा सकते हैं, वो आपकी प्रेफरेंस है आपको कौन सा लगाना है। बाकी अगर किसी को सस्ता लगवाना है तो वो आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। ओके, तो ये तीन ऑप्शन अवेलेबल है, और अपने पास फ्रेम भी अवेलेबल है। फ्रेम भी अपने पास चार पाँच तरीके के अवेलेबल, छः सात तरीके के अवेलेबल है। जैसे कि सिल्वर अपने पास, पहले मैट फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, 9 इंच 10 इंच दोनों अवेलेबल है अपने पास। ओके, ये मैट है, मैट है। इसके बाद ग्लोसी, ब्लैक ग्लोसी में हम बात करते हैं। ओके, इसके बाद ये अपना वाइट है, ये वाइट पे आ गया। इसके बाद ये अपना कार्बन फाइबर है, ये अपना कार्बन फाइबर है। बाकी लुक देख सकते हैं इसका, उसके अगर किसी को लगवाना है कार्बन फाइबर अब अवेलेबल हो चुका है, अवेलेबल हो चुका है। उसके बाद सिल्वर फ्रेम भी है, और भी कलर्स हैं, आपको कौन से कलर्स कहोगे वो सारे कलर्स हैं अपने पास। ये देख पा रहे होंगे आप जो भी कलर, ये अपने पे सैंपल है, ये अपने पास सैंपल है। ये गाड़ी में कोई सी भी कार हो आपके पास, कैरेंस नहीं तो उसमें, सारी गाड़ियों में वुडन हो सकता है, इंटीरियर हो सकता है, सीट कवर लगा सकते हैं। अगर आप कोई सी भी भाई देख रहे हैं तो सारी गाड़ियों में काम होता है। Okay. किया की सारी गाड़ी हो गई, हुंडई की गाड़ी हो गई, मारुति की गाड़ी हो गई, सारी गाड़ी के जनरल पार्ट्स अपने पास अवेलेबल है। मारुति के सारी गाड़ियों को हो गया, सारी गाड़ी के जनरल पार्ट्स हुंडई किया सबका है भैया। ओके जी, हुंडई किया सबका है। बाकी ये डिजाइन ब्लैक में देख पा रहा हूँ, मतलब ये इंटीरियर में भी करवा सकते हैं, इंटीरियर में भी करवा सकते हैं। ओके, अगर किसी को इंटीरियर कस्टमाइज करवाना है जैसे हमारी पुरानी वीडियोस में था जी, जी। वैसे आई बटन में आपको दिख जाएगा, और अगर करवाना है तो करवा सकते हैं ये। बाकी ये सारी चीजें थी अपने पास। तो अजीत भैया और क्या क्या आने वाला है अब हमारे पास? आने वाला है कल आपको इंस्टॉल होते हुए मिल जाएंगे। ओके, अपडेट होने वाले प्रीमियम मॉडल में। गोलू प्रीमियम में कर देंगे, प्रीमियम में कर देंगे, प्रीमियम में क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट कर दो, सब सारे पार्ट्स हो जाएगा। ओके, फ्यूचर में हम बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं कैरेंस के लिए। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो आज की, अगर अच्छी लगी तो क्या करना है गोलू? सब करना है। बाकी अजीत भैया यहाँ मिलेंगे कम, तो कमेंट करके बोलना कि अजीत भैया को यहाँ बैठने के लिए। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।